মঙ্গলবার দুর্গাপুর বেনাচিতিতে অবস্থিত গুরুদ্বারায় একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে দুর্গাপুর গুরুদ্বারায় জগৎ সুধার গুরুদ্বারায় নতুন ম্যানেজিং কমিটি প্রকাশ করা হয়। 7ই মে অর্থাৎ রবিবার নতুন ম্যানেজিং কমিটির খসড়া পাশ করা হয়। এদিন সংগতির কাছে অনুমতি নিয়ে 28 জনের একটি কমিটি গঠিত হয়। এই ম্যানেজিং কমিটির নতুন সভাপতি তেজেন্দর সিং বল সাংবাদিকদের জানান, প্রতি দুবছর অন্তর গুরুদ্বারায় প্রবন্ধক কমিটির নতুন ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হয়। সেই মতন এবারও সর্বসম্মতিক্রমে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। 7 তারিখ কো ये दुर्गापुर गुरुद्वारा जगत सुधार जो है बेनाचिटी में गुरुद्वारा है, इसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी गुरुद्वारा में ही है, इसी प्रीमाइसेस में है। तो हम लोगों ने पिछला 7 तारीख को नया गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी का गठन किया है और उसका अप्रूवल संगत के पास में लेना पड़ता है हम लोग को। तो हर रविवार को यहाँ पर गेट टुगेदर होता है, हम लोग का धार्मिक अनुष्ठान होता है। तो रविवार का जो धार्मिक अनुष्ठान था उसमें हम लोगों ने अपना गुरुद्वारा का नया बना हुआ प्रबंधक कमेटी का अप्रूवल ले लिया है। सबने सर्वसम्मति से एकमुठ होकर के इस नया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का स्वागत किया है। जो हमारे पूर्व प्रधान थे सरदार गुरदयाल सिंह जी, उन्होंने सभी नए नियुक्त मेंबरों को गुरु महाराज का जो आशीर्वाद है सिरोपा प्रदान करके सबका स्वागत किया है। और पूर्व जो प्रधान है हमारे गुरदयाल सिंह जी, जिन्होंने सिरोपा दिया, उनको हम लोगों ने चीफ एडवाइज़र के तौर पे उनकी नियुक्ति हमारी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में की है। आने वाले दिनों में, चूँकि हमारी ये बिल्डिंग पुराने समय में बनी हुई है, तकरीबन 45-50 साल पुरानी है, और इसमें काफ़ी तरह की रिपेयर करने के बाद देखा गया है कि ये और ज़्यादा दिन सेफ नहीं है, तो इसका बाकायदा टेस्ट करवाएंगे टेक्निकल लोगों से। आने वाले दिन में यहाँ पर एक नया गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तौर से हमारी तरफ से इस गुरुद्वारा का जो बिल्डिंग है इसको साइंटिफिक तरीके से और अच्छे आर्किटेक्ट को बुला करके एक दिखने लायक अच्छा गुरुद्वारा का जो है बिल्डिंग वो नया सिरा से हम लोग बनाएंगे। और इस गुरुद्वारा में काफ़ी अच्छा स्पेस है हमारे पास, तो शुरू में यहाँ पर छोटे बच्चों का स्कूल भी था, आज भी ब्लैक बोर्ड मौजूद है। तो इस एरिया में बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है बेनाचिटी, इसीलिए छोटे बच्चों के लिए एक प्ली स्कूल का जो है वो भी अप्रूवल स्कूल प्रबंधक कमेटी गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की प्रबंधक कमेटी ने लिया है। आने वाले दिन में जब नई बिल्डिंग बनेगी गुरुद्वारा की, उसमें हम लोग एक अच्छा उन्नत साइंटिफिक तरीके से एक प्ले स्कूल बनाएंगे जिसमें मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग होंगे जो छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में हमारी इस गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का मदद करेंगे। और विशेष सहयोग इस प्ले स्कूल के लिए गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट का रहेगा, उन्होंने इस अप्रूवल को उन्होंने अपना सर्टिफाई किया है। आने वाले दिन में यहाँ प्ले स्कूल और नया गुरुद्वारा का जो बिल्डिंग है उसको हम लोग बनाएंगे, ये हम लोगों का डिसीजन है। और संवाद माध्यम को ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के कुछ मैनेजमेंट को लेकर विवाद वाली बात कुछ दिन से अखबार में चल रही है, आप सबसे विनती है कि ये गुरुद्वारा की इंटरनल अफेयर्स हैं, इनको हम अपनी गुरुद्वारा की इंटरनल मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में सुलझा लेंगे। इस विवाद को छोड़ के मैनेजमेंट कमेटी को लेकर के हमारे विज़न को लेके कोई भी बात आप संवाद माध्यम में छाप सकते हैं। हमारे यहाँ कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होता है, हम हमेशा आप लोगों को बुलाते हैं और आप लोगों से हम लोगों को सहयोग मिलता है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। যুগ্ম সম্পাদক দলভিন্দর সিং সংবাদ মাধ্যমের কাছে নতুন কমিটির সদস্যদের নাম প্রকাশ করেন, পাশাপাশি সভাপতির বক্তব্যের সহমত পোষণ করেন। কমিটি মে এসবার 28 মেম্বরো কি কমিটি গঠন কি গই হ্যায়, জিসমে মুখ্য সেবাদার জো হাম লোগ বোলতে হ্যায় উসমে প্রেসিডেন্ট সরদার তেজিন্দর সিং জি বল, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সরদার পলবিন্দর সিং জি, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সরদার ইকবাল সিং জি एंड वाइस प्रेसिडेंट जतेंद्र सिंह जी, सरदार कुलदीप सिंह जी, जॉइंट सेक्रेटरी सरदार दलविंदर सिंह, सरदार सुखजिंदर सिंह जी, ट्रेजरर जॉइंट ट्रेजरर सरदार चरण गुरु प्रीतपाल सिंह जी, सरदार रविंदर सिंह जी, सरदार दर्शन सिंह जी, और असिस्टेंट सेक्रेटरी सरदार अमनदीप सिंह जी, अमर सिंह जी, रविंदर सिंह जी भाटिया, हरविंदर सिंह जी भाटिया, और कोऑर्डिनेटर सरदार गुरमीत सिंह जी, सरदार राजेंद्र सिंह जी,
सरदार चरणजीत सिंह जी और मीडिया प्रभारी सरदार हरदीप सिंह जी बंटी जी, ये अहदे हैं। और लंगर में सरदार रजवंत सिंह जी, सरदार इंद्रजीत सिंह जी गरेवाल, सरदार सुरेंद्र सिंह जी और जो हमारे धर्म प्रचार सेक्रेटरी उसमें मनप्रीत सिंह जी, सरदार गुरदीप सिंह जी, अमरदीप सिंह जी लंगर में हैं और भी कुछ जो नाम मैं भूल गया, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे हैं स्कूल के, जो प्रेसिडेंट गुरु तेग बहादुर स्कूल के, उनको इस कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है सरदार गुरसिमरन प्रीतपाल सिंह जी। और लंगर में और भी कुछ लोग हैं जिनको, जिनके नाम मैं नहीं ले सका, वो मैं आपको देख के बता देता हूँ। बाकी ये हैं अहदे जो हम लोगों ने, एडवाइज़र की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें चीफ एडवाइज़र सरदार गुरदयाल सिंह जी, उसमें चरणजीत सिंह जी वो हमारे पायलट साहब हैं, सरदार परमजीत सिंह जी, सरदार जसविंदर सिंह जी, राणा जी, ये हमारे पांच एडवाइज़र हैं, और सरदार चंचल सिंह जी, इन लोगों को एडवाइज़र की पोस्ट दी गई है। वो कोई रह गया? और सीनियर एडवाइज़र सरदार गुरबख्श सिंह जी, वो भाई हमारे काफ़ी पुराने मेंबर हैं, मैं उनका नाम भूल गया था। क्या करना है? पर जितने पुराने प्रबंधक कमेटी के मेंबर थे तकरीबन उनकी काफ़ी एज हो गई है, तो इस बार सब लोगों ने, संगत ने मिलके ये उपराला किया कि यंग बैच को 60-70% इसमें अहदेदारी दी जाए, ताकि नवीनीकरण या कोई भी आगे जो हमारे प्रचार के माध्यम है उसको सही तरीके से बढ़ाया जाए। हमारे इस इलाके से सहयोग लेकर हमारे तकरीबन बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में सभी गुरुद्वारों में नवीनीकरण हो गया है गुरु घर का, यहाँ का काम बाकी है। उसमें हम लोगों ने एक टीम बनाई है, वो मिलकर इस गुरु घर को नए तरीके से, पूरी बिल्डिंग को, ये 50 साल पुरानी हो गई है, आप जानते हैं ग्रेवल से उस टाइम बिल्डिंग बनती थी, तो इसका जो लाइफ टर्म है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इसको एयर कंडीशन करके पूरा पार्किंग एरिया बना के बाहर में, जैसे आप लोगों ने देखा हम लोगों ने ATM वगैरह लगाए हैं, ताकि गुरु घर की एक इनकम का भी सोर्स ऑफ इनकम भी हो। बाहर में पार्किंग बनेगी, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमारे फ्यूचर के प्लान्स हैं। हर बड़े प्रोग्राम को गुरु नानक देव जी का और गुरु गोविंद सिंह जी का प्लस बैसाखी का, ये बड़े पर्व होते हैं, इसमें हमारे हजूरी रागी को बुलाकर बड़े पैमाने पर ये सब गुरु साहब के पर्व मनाए जाए, यही हमारा उपराला है। এদিনই সাংবাদিক বৈঠকে স্থির হয় বর্তমান গুরুদ্বারটি 50 বছরের পুরনো, সেই কারণে সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। ইঞ্জিনিয়ারের পর্যবেক্ষণের পর তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন গুরুদ্বারায় নির্মাণ কাজ শুরু হবে। এর পাশাপাশি পূর্বের মতন এখানে একটি প্রে স্কুলও খোলা হবে, আর এই সমস্ত কিছুর দায়ভার বহন করবে গুরু তেগ বাহাদুর পাবলিক স্কুল কমিটি। আজকে সাংবাদিক বৈঠকে প্রকাশিত ম্যানেজিং কমিটির তালিকা নিহুরু প্রেসিডেন্ট তাজিন্দর সিং পল, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অলিন্দর সিং, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আকওয়াল সিং, ভাইস প্রেসিডেন্ট যতীন্দর সিং এবং কুলদীপ সিং, জয়েন্ট সেক্রেটারি দলবিন্দর সিং এবং সুখবিন্দর সিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গুরু সিমরান প্রীত পাল সিং, চিফ অ্যাডভাইজার গুরুদয়াল সিং, জয়েন্ট ট্রেজারার চরণ গুরুপ্রীত পাল সিং এবং দর্শন সিং, মিডিয়া সেক্রেটারি গুরুদীপ সিং ওরফে বান্টি, সমরেন্দ্র দাস, LCW ইন্ডিয়া, দুর্গাপুর। খাই খাই করো কেন এসো বসো আহারে, খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কয় যাহারে। ভোজন রসিক বাঙালির খাওয়া দাওয়ার সেরা ঠিকানা মানেই শের ই বেঙ্গল। ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান, কন্টিনেন্টাল ডিশের হরেক রকম সম্ভার এখন একই ছাদের তলায়। এছাড়াও রয়েছে শের ই বেঙ্গলের স্পেশাল কিছু আইটেম যা একবার মুখে দিলেই ভোলার নয়। ঘরোয়া পরিবেশে হোটেলের আতিথেয়তা আপনাকে মুগ্ধ করবে। রেস্তোরাঁর পাশাপাশি রয়েছে থাকার সুবন্দোবস্ত, সিঙ্গেল বেড থেকে ডাবল বেড, ট্রিপল বেড এবং ডিলাক্স AC রুম। পাচ্ছেন 24 ঘন্টা পানীয় জল ও বিদ্যুৎ পরিষেবা, রয়েছে লকার, পার্কিং এর সুবন্দোবস্ত, এছাড়াও AC, গিজার, TV, সিকিউরিটি সহ লন্ড্রির সুবিধে। মিটিং বা যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য এখন নিশ্চিন্তেই আসতে পারেন শের ই বেঙ্গলে।
শেয়ারি বেঙ্গল, জেপি এভিনিউ, সগরভাঙা, এসবিআই ব্যাংকের ঠিক পাশেই, দুর্গাপুর 7132111। যোগাযোগ নম্বর 9609900511 অথবা 9777555555। শের ই বেঙ্গল, একবার আসলে বারবার আসতেই হয়। দুর্গাপুর হোক কিংবা শিলিগুড়ি, এখন হাতের মুঠোয় রেস্টুরেন্ট বিজনেসের আইডিয়া পাওয়ার জন্য একমাত্র পীঠস্থান আরসি হসপিটালিটি সার্ভিস। সারা বাংলায় রেস্টুরেন্ট চেইন বিজনেসের প্রসার ঘটাতে আর দেরি না করে শীঘ্রই যোগাযোগ করুন আরসি হসপিটালিটি সার্ভিসে। যোগাযোগ আরসি হসপিটালিটি সার্ভিস, অভিক চৌধুরী। কন্ট্যাক্ট 9564845420। বাড়ি হোক কিংবা ফ্ল্যাট অথবা অফিস, চাইছেন একেবারে অন্যরকম ভাবে সাজিয়ে তুলতে? নিত্য নতুন ইন্টেরিয়ার ডিজাইন সাথে টেকসই ম্যাটেরিয়াল, সাধু সাধ্যের মধ্যে সাধ পূরণ মানেই একটাই নাম, রয়্যাল এন্টারপ্রাইজ। আপনার সুখী গৃহকোণের বিভিন্ন ধরনের ইন্টেরিয়ার ডিজাইন থেকে শুরু করে ফলস সিলিং, টিভি ইউনিট, খাট, ড্রেসিং টেবিল, ফলস ডোর, মডিউলার কিচেন অথবা অফিসে ক্যাবিনেট, স্বল্প খরচে করাতে আজই যোগাযোগ করুন রয়্যাল এন্টারপ্রাইজে। রয়্যাল এন্টারপ্রাইজ, স্টল নাম্বার 253, স্টিল মার্কেট, দুর্গাপুর 4। যোগাযোগের নাম্বার 9593932828 অথবা 9333339888।